ओम एस्ट्रो चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम ये जानेंगे बृहस्पति देव जब हमारे हॉरोस्कोप में नाइन्थ हाउस में होते हैं तो ये कैसा प्रभाव देने वाले होते हैं। इसके लिए हमें बृहस्पति देव और नाइन्थ हाउस के बारे में जानना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बृहस्पति देव हमें विजडम, इंटेलिजेंसी, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी, बैंक बैलेंस, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, इसको इंडिकेट करते हैं। बृहस्पति देव जिस घर में बैठते हैं उस घर के गुणों को बढ़ा देते हैं, एक्सपेंशन, विस्तार करते हैं। हमारा नौवां घर जो कि हमें लक, फेथ, फॉर्चून, हमारे भाग्य को दर्शाता है, ये हमें हमारे धर्म को दर्शाता है, ये हमारे आध्यात्मिकता को दर्शाता है, ये जस्टिस को दर्शाता है, ये हायर लर्निंग और हायर एजुकेशन को दर्शाता है, ये लंबी यात्राओं को दर्शाता है, जे फॉरेन लैंड्स को दर्शाता है, जे टीचर्स, गुरु और फादर को भी इंडिकेट करता है। बृहस्पति देव और नाइन्थ हाउस दोनों प्रॉस्पेरिटी को और आध्यात्मिकता को इंडिकेट करते हैं। इसलिए बृहस्पति देव जहाँ पर बहुत ही सुखद महसूस करते हैं, जी बृहस्पति देव का नेचुरल हाउस है। जिन जातकों का बृहस्पति देव नाइन्थ हाउस में शुभ अवस्था में है, अपनी राशि में है या उच्च का होकर के बैठा हुआ है, ऐसे जातक चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए होते हैं। दे आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून। ऐसे जातक संपन्न परिवार में पैदा होते हैं। यदि इन परिवारों की हालत थोड़ी खराब भी होती है तो ऐसे जातकों के आने पर उस परिवार में समृद्धि आती है, उन घर में धन दौलत के वर्षा होती है। ऐसे जातकों को भाग्य का साथ खूब मिलता है। ऐसे जातक कई बार अपनी किस्मत से, अपने को वर्कर से बहुत आगे निकल जाती है। मैंने कई बार ऐसे जातकों को मंत्री, एमएलए बनते देखा है, जिस हैज ही अपने बिजनेस को बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। इनको भाग्य का पूरा साथ मिलता है। जे लोग समाज में प्रसिद्ध होती है, इनको अपने परिवार का भी साथ मिलता है। जे लोग धर्म में कुछ ज़्यादा ही विश्वास रखते हैं, जे लोग एक से ज़्यादा धर्म में भी विश्वास रखने वाले हो सकते हैं, वो धर्म में बहुत ही कट्टर होते हैं। जे लोग धर्म स्थानों के भी सैर करने वाले होते हैं। मैंने अक्सर देखा है ऐसे जातक अक्सर धर्म स्थानों पर जाते रहते हैं, वो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, वो चैरिटी के काम करने वाले होते हैं। ये लोग कई सोशल संगठनों के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये लोग लोगों का कल्याण करने वाले होते हैं, ये एक सफल डॉक्टर हो सकते हैं, ये एक आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, ये एक टीचर हो सकते हैं, ये लोग लोगों का कल्याण करने वाले होते हैं। किन लोगों को विदेश से फायदा होता है, मैंने अक्सर किन लोगों के वर्ड चार्ट में ये पाया, ये लोग विदेश में पढ़ाई करके बहुत कामयाब होते हैं। मैंने अक्सर देखा है
कि ये लोग जीआरई का पेपर पास करके अच्छे अच्छे फॉरेन के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और अपने को वर्कर या अपने दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले में ये ज़्यादा बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं और बढ़िया कामयाब होते हैं। ऐसे जातकों को पिता का और गुरु का पूरा साथ मिलता है, इनके परिवार में पूरा योगदान रहता है, परिवार का एक दूसरे के साथ तालमेल ठीक होता है। बृहस्पति देव नौवें घर से पांचवी दृष्टि से फर्स्ट हाउस को देखते हैं। फर्स्ट हाउस जो कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारी सक्सेस, हमारी हेल्थ को इंडिकेट करता है, इसलिए ऐसे जातकों के सेहत बढ़िया रहती है, इनको कामयाबी मिलती है और इन्हें फेम मिलती है, इनके पास पैसा भी होता है। नौवीं घर से बृहस्पति देव अपने सातवीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखते हैं जो कि हमारे छोटे भाई बहनों का, मीडिया का, फ्रेंड्स का घर है। ऐसे जातकों को मीडिया से काफ़ी लाभ होता है, ये लोग अखबारों में कामयाब हो सकते हैं, ये लोग टीवी कलाकार हो सकते हैं, ये लोग अच्छे एक्टर हो सकते हैं, ये लोग पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ये लोग एंकर हो सकते हैं, प्रेस रिपोर्टर बन सकते हैं। इनका अपने भाई बहनों के साथ सहयोग रहता है और उनके साथ अच्छा तालमेल भी रहता है। बृहस्पति देव नौवें घर से अपनी नवी दृष्टि से पांचवें घर को देखते हैं। पांचवा घर हमारी संतान, एजुकेशन और लव और रोमांस का घर होता है, इसलिए ऐसे जातक हर किसी के साथ प्यार से रहने वाले होते हैं, ये पॉलिटिक्स में कामयाब होते हैं। ऐसे लोग आर्ट के काम में, मैंने अक्सर इन लोगों के बर्थ चार्ट पर पाया है कि जी बहुत अच्छे राइटर होते हैं, जितने भी राइटर हैं होते हैं उनके बर्थ चार्ट में मैंने पाया कि उनके नाइन्थ हाउस में बृहस्पति था। अक्सर 50% लोगों के बर्थ चार्ट में मैंने यह पाया कि उनके नाइन्थ हाउस में बृहस्पति देव अच्छी अवस्था में बैठे हुए थे। ये लोग आर्ट से संबंधित सिंगर, डांसर, प्लेयर भी बहुत बढ़िया हो सकते हैं, इन्हें इन कामों में भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। कुल मिलाकर ऐसे लोगों को कामयाबी मिलती है, इन्हें आलस्य नहीं करना चाहिए, इन्हें ज़्यादा रूढ़िवादी नहीं बनना, बस प्रयत्नशील रहना है। प्रयत्नशील रहने से इन्हें हर काम में तरक्की मिलेगी और इनका हर काम होता जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओम एस्ट्रो ब्लेस यू ऑल।